नमस्ते, आज तक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रा पर्व प्रारंभ होने वाले हैं, तो जानते हैं घट स्थापना का मुहूर्त और पूजा विधि का समय। वर्ष में चार नवरात्रि आती है, चैत्र माह में बड़ी नवरात्रि और आषाढ़ और आश्विन माह में शारदीय नवरात्रि, जिसे छोटी नवरात्रि भी कहते हैं। पहले साधना की और दूसरी साधना और उत्सव दोनों की होती है। ये दोनों ही नवरात्रि आम लोगों के लिए है, जबकि आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये दोनों ही तंत्र साधना की नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इस वर्ष 2021 में 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के बाद 7 अक्टूबर गुरुवार को नवरात्रि का वर्ष प्रारंभ हो रहा है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। घट स्थापना का मुहूर्त। घट स्थापना का समय या मुहूर्त प्रातःकाल 6:17 से लेकर 10:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:32 तक रहेगा। स्थानीय पंचांग भेद के अनुसार मुहूर्त में घट बढ़ हो सकती है। व्रत पारण समय। नवरात्रि का पारण 15 अक्टूबर को समय 6:22 के बाद होगा। ढोली पर सवार होकर आ रही है माता जी। नवरात्रि के पर्व में इस बार माता जी ढोली पर सवार होकर आएगी। कहते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत यदि सोमवार या रविवार को हो तो इसका अर्थ है कि माता हाथी पर सवार होकर आएगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो तो माता ढोली पर सवार होकर आती है। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सप्तधान्य। चौड़े मुँह का मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, साबुत चावल, लाल वस्त्र, पुष्प। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कैसे करें घट स्थापना? पहले मिट्टी के बर्तन में सप्तधान्य रखें। अब एक कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र में रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में एक नाड़ा बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब कलश पूजा करें और गणेश वंदना के बाद फिर देवी का आवाहन करें।